दिया हुआ है y डबल डैश ऑफ x प्लस लैम्डा स्क्वायर y ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, देन इस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन विद द कंडीशन y एट जीरो इक्वल टू y एट पाई एंड y डैश एट जीरो इक्वल टू y डैश एट पाई। तो ये आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो बेसिकली लैम्डा शुड बी सॉरी दिस लैम्डा स्क्वायर शुड बी एन आइगन वैल्यू, क्योंकि हमने डिस्कस करा था कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसके रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूशंस आएंगे दोज आर आइगन फंक्शन। तो बेसिकली आपको लैम्डा स्क्वायर की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये आइगन वैल्यूज बने। तो सिंपली सॉल्व करेंगे तो लैम्डा ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, तो जो रूट्स आएंगे प्लस माइनस आइटा लैम्डा, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ लैम्डा एक्स, ये आपके पास सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये सोल्यूशन है दोनों कंडीशन पुट करोगे वाई एट जीरो इक्वल टू वाई एट पाई, वाई एट जीरो पुट करोगे तो यहाँ से सी वन और वाई एट पाई पुट करोगे तो ये आपके पास सी वन कॉस ऑफ लैम्डा पाई प्लस सी टू साइन ऑफ लैम्डा पाई आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा लैम्डा टाइम माइनस सी वन साइन ऑफ लैम्डा एक्स प्लस सी टू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स, ये आपके पास डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वाई डैश एक्स। तो वाई डैश एट ज़ीरो करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा लैम्डा टाइम सी टू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम माइनस सी वन साइन ऑफ पाई लैम्डा पाई प्लस सी टू कॉस ऑफ लैम्डा पाई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा, तो सी वन का कोफिशियंट वन माइनस कॉस ऑफ लैम्डा पाई एंड यहाँ से सी टू का कोफिशियंट माइनस टाइम साइन ऑफ लैम्डा पाई, और इस साइड से आपके पास सी वन का कोफिशियंट जो आएगा दैट इज साइन ऑफ लैम्डा पाई, लैम्डा गेट कैंसिल आउट थ्रू आउट, और C2 का कोफिशियंट आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ लैम्डा पाई इंटू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो जीरो। तो अब आपके पास इस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा वेन एवर आइदर इवन और C2 नॉन जीरो, यानी कि इस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये ए एक्स इक्वल टू जीरो बन गया, तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आना चाहिए जीरो, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो पुट करोगे तो यहाँ से लैम्डा के लिए चॉइसेज आ जाएंगी। तो सिंपली सॉल्व करना है, आपका आंसर जो आ जाएगा दैट शुड बी बी आंसर, जस्ट इसके बाद आपको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट जीरो पुट करोगे तो लैम्डा में एक इक्वेशन आएगी, तो उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है,